आइए और जानकारी लेते हैं BSNL के जो कर्मचारी हैं कि क्या मांग है, किन मांगों को लेकर यहाँ आए हैं। सर आपका नाम? हमारा वेद प्रकाश यादव। वेद प्रकाश यादव जी, वेद प्रकाश यादव जी आप यहाँ क्यों आए, क्या मांगे हैं आपकी? हमारा 3rd PRC है, टावर सिस्टम को ये लोग बेच रहे हैं चोरी से, और हमें 58 साल में रिटायर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इस तमाम साजिशों के खिलाफ हम लोग एकजुट होकर सभी, मतलब कर्मचारी, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, सारे लोग जो हैं मिलके ये संघर्ष कर रहे हैं, और भविष्य में जो भी संघर्ष आएंगे हम लोग लेके ही रहेंगे। इनको इस तरह से अपने विभाग के साथ बेईमानी नहीं करने देंगे। सिर्फ क्या कारण है कि जो सरकारी जो एजेंसियां हैं वो घाटे में जाती हैं और प्राइवेट एजेंसियां वो दिन पर दिन तरक्की कर रही हैं? सरकारी एजेंसियां, मतलब ये सरकार की साजिश है कि उनको कमज़ोर करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर जब बढ़ावा देंगे ये लोग, क्योंकि वो लोग अटैची दे देते हैं इनको, हैं सरकारी कर्मचारी, सरकारी सेक्टर तो कोई अटैची देगा नहीं, तो अटैची में जो भी काम कराना हो सब करवा लो जाके वहाँ। इसलिए हम लोग पिछड़ जाते हैं, सरकारी उपक्रम जितने भी हैं इसीलिए फेलोर करने की साजिश में ये लोग लगे हुए हैं। सर BSNL बहुत पुरानी कंपनी है, पुराना डिपार्टमेंट है, और आज जियो का कल परसों का एक डिपार्टमेंट है, वो बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन BSNL बहुत घाटे में जा रहा है। देखिए BSNL घाटे में नहीं जा रहा है, BSNL को घाटे करने की साजिशों में शिकार है, साजिशों के शिकार है इनका, और ये लोग जो हैं जानबूझ के इसको घाटे में ले जाने की कोशिश करते हैं। सारे सेक्टरों को, हमारा नहीं है और सब सेक्टरों को भी ये लोग साजिशों से लगे हुए हैं, सारा चीज़ प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, जबकि इनको चाहिए कि ये भारत, ये जो पब्लिक सेक्टर के कारण अभी आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत है। ये लोग ये सब डकैत हैं, देखिए अभी बैंकों में कितना बड़ा डकैती डाली, ये सारे हाँ सब जानते हैं, डकैती डाली नोटबंदी की, तो उसी नोटबंदी कारण बहुत बड़ी डकैती पड़ गई हमारे देश में। हमारा सारा पूंजी जो थी गरीबों की, वो सब बैंकों से निकाल के भाग गए लोग, और ये लोग बैठे रहे। तो ये साजिश के तहत ही सरकार जो है ये फासीवाद सरकार है, ये फासिस्ट ताकतें हमारे देश को गुलाम करने की साजिश में लगी हुई हैं, हमें आर्थिक कमज़ोर करना चाहती है। इसलिए हम सब भाई जो हैं सारे वर्कर्स एक होके ये संघर्ष करेंगे, और आखिरी तक करेंगे संघर्ष, अभी नहीं, अभी लंबा संघर्ष चलेगा हम लोगों को, इनको नाश नाबूद करके ही रहेंगे हम लोग। धन्यवाद सर।